तो आपका जैसे कि 10th क्लास का मैथ का एग्ज़ाम होने वाला होगा और आप इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर जानना चाहते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके रहने वाले हैं और कौन से चैप्टर इस बार कट कर दिए गए हैं जो कि इस बार उसमें से क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले, और सबसे बड़ी बात है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है मॉड्यूल, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें और मैथ में आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो मॉड्यूल 1 में जो अलजेब्रा है उसमें आपका नंबर सिस्टम, एक्सपर्ट और चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर आपके कट हो चुके हैं जो नहीं आने वाले। जो आपके आएंगे 4 से लेके 7 तक, स्पेशल प्रोडक्ट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक, ये चैप्टर आपके आने वाले हैं। और ये लगभग लगभग आप मान के चलिए ये 15 से लेके आपके 20 मार्क्स के चैप्टर्स हैं, जिसमें MCQ, लॉन्ग, शॉर्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मॉड्यूल 2 की अगर हम बात करें जो कि कॉमेट्स लाइव मैथमेटिक्स है, तो उसमें से 8 और 9 दोनों चैप्टर आएंगे, जिसमें परसेंटेज भी और इंस्टॉलमेंट बाइंग भी है। ये भी आपका लगभग 15 मार्क्स के आसपास का ये चैप्टर भी वेटेज रखता है मार्क्स की। मॉड्यूल 3 में ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री में हमारे पास 10 से लेके 15 तक, जिसमें कि 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इन चैप्टर को इस बार कट कर दिया गया है जो बिल्कुल नहीं आने वाले। जो हमें करके चलने हैं 16, 17, 18 और 19, जैसे एंगल इन सर्कल्स, सेकेंड कंस्ट्रक्शंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये हमें करते हुए चलने हैं। ये भी लगभग जो हमारे पास आता है, ये भी हमारे पास 18 से लेके 27 तक इसके मार्क्स अपने वेटेज रखता है, इतने मार्क्स इसमें बन जाते हैं। मॉड्यूल 4 की हम बात करें तो उसमें से 20 और 21 जो पैरामीटर और सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम है दोनों आने वाले हैं। ये भी लगभग हमारे पास 16 से लेके 19 के बीच में ये दोनों के दोनों नंबर चैप्टर्स बिलोंग करते हैं। फिर मॉड्यूल 5 में जो ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर आएंगे आपके, जो कि इंट्रोडक्शन 2 है और इसकी रेशो ऑफ सम स्पेशल एंगल जो होते हैं वो दोनों आने वाले हैं। ये भी लगभग जो अगर हम वेटेज की बात करें तो इन दोनों की जो वेटेज रहेगी वो भी लगभग आपकी 17 से लेके 25 तक इसकी जो वेटेज है वो रहने वाली है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। फिर हम मॉड्यूल 5 और 6 की हम बात करें तो उसमें स्टैटिक्स वाला है, जिसमें डेटा एंड देयर रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें जो हमारे पास चैप्टर्स आने वाले हैं 25 और 26 आने वाला है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि इसमें से ही आपका कई बार 19 से लेके 21 तक आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये है इनकी वेटेज जो लगभग इतनी रहेगी, बस आपको इन्हीं की तैयारी करनी है, इन्हीं चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेना, बाकी इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है हम वो लेके आने वाले हैं। चैप्टर वाइज हम बहुत जल्दी इसके नोट्स लेके आने वाले हैं, जिससे कि आपका बहुत अच्छी तैयारी इस बार पेपरों की हो जाए। बस आपको इसी की तैयारी करनी है और आपके बहुत अच्छे नंबर इस बार मैथमेटिक्स में आ जाएंगे।